गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड. टुडे वी विल डू लेसन सिक्स इन ग्रामर, नाउंस बिलोंगिंग. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बिलोंगिंग? बिलोंगिंग मीन्स आपकी कोई चीज होना, खुद की, जिसको हम पोजेशन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजेशंस. पोजेशंस मीन्स आप कोई चीज पोजेस करते हो, मीन्स आपकी कोई चीज है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर पाठक आर्म चेयर. ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, मिस्टर पाठक्स आर्म चेयर, यानी कि आर्म चेयर किसकी है? मिस्टर पाठक की. तो हम जब ये एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो ये हो जाता है बिलोंगिंग या पोजिशन हो जाता है. बिलोंगिंग्स में मेन होता है एपोस्ट्रोफी. ये जो साइन है इसको हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं और फिर एस लग जाता है. ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं. दिस इज माय पेन. ये मेरा पेन है. हम इसको हम शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे? This is Ritu's apostrophe S pen. Okay? अब दो चीजें हमें इसमें रूल्स हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने हैं while doing possession. First is apostrophe S हम जो लगाते हैं वो हम लगाते हैं singular noun के बाद, के लिए. जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं तब हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं. और दूसरा है, जब हम प्लूरल में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन प्लूरल नाउन, प्लूरल मीन्स बहुत सारे, जैसे कि द सोल्जर्स यूनिफॉर्म, ये है एक सेंटेंस. तो सोल्जर्स यानी कि बहुत सारे, प्लूरल हो गया सोल्जर्स. एस जो है उसके बाद एपोस्ट्रॉफी आएगी. यहां पे सिंगुलर में एस से पहले आती है, प्लूरल में एस के बाद आती है. ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है व्हेन यू आर डूइंग दिस लेसन. ओके, एक और, वंस अगेन आई जस्ट टेल यू, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन वी यूज एपोस्ट्रॉफी फर्स्ट एंड देन एस. बट व्हेन वी आर रेफरिंग टू प्लूरल नाउन्स तो एस पहले आएगा फिर एपोस्ट्रॉफी आएगी. ओके, दीज आर माय बुक्स. इसको हम कैसे लिखेंगे? दीज बुक्स आर ऑफ ऋतु. ओके, ये ऐसे आएगा. अंडरस्टूड? ऐसे ही आपने ये एक्सरसाइज करनी है. यू विल डू एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी इन द बुक एंड सेंड इट टू मी टुडे इटसेल्फ. थैंक यू.